डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम अ लेटर टू गॉड के प्रश्न उत्तर करेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर ए रेन शावर फॉर हिज क्रॉप्स। उसे उम्मीद थी कि हल्की सी बूंदाबांदी होगी जो उसकी फसल के लिए बहुत अच्छी होगी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस? उसने क्यों कहा जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं? ही मेड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स, सो ही रेफर टू द ड्रॉपलेट्स एज न्यू क्वाइंस, द लार्जर वंस बींग इक्विवेलेंट टू 10 पिसोस एंड स्मॉलर वंस 5 पिसोस। उसे विश्वास था कि जो उसकी फसल है बहुत अच्छी होगी और जो बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, बौछार गिर रही है, ये उसकी फसलों को और ज़्यादा अच्छी बना देंगी। इसलिए उसने जो बड़े सिक्के थे उनको 10 पिसोस और छोटे सिक्कों को 5 पिसोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? रेन कैसे बदली और उसकी फसल का क्या हो गया? सून आफ्टर द रेनफॉल हैड बिगन टू हेल स्टॉर्म, दीज हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली। बारिश के बाद अचानक ओले गिरने लगे और इन ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेड एंड हिज सोल वाज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस, ही हैड सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। वह बहुत दुखी हो गया, उसका मन टूट गया, उसको सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी अब सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? किसमें और लेंचो को फेथ था, विश्वास था, और उसने क्या किया? लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास था, बहुत गहरी आस्था थी उसकी। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड हेल्प हिम, ही रोट इन हिज लेटर टू सेंड हिम 100 पिसोस, और उसने अपने लेटर में लिखा, जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि मुझे 100 पिसोस भेज दो। उसका इतना विश्वास था ईश्वर में। हु रीड द लेटर? जो लेटर था, पत्र था, वो किसको मिला? अ पोस्टमैन हु वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। एक पोस्टमैन जो कि पोस्ट ऑफिस का ही एम्प्लॉई था, कर्मचारी था, उसने उस लेटर को पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया? द पोस्टमास्टर वॉज अमेज्ड एट लेंचोज अनसेकेबल फेथ इन द डाइनिटी एंड दस टू रिटेन इट बनाए रखना। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कुलीग्स। वो चाहता था कि ईश्वर में जो उसका विश्वास है वो बना रहे, इसलिए उसने अपने कुलीग से और दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या उसे आश्चर्य हुआ जब उसे एक लेटर मिल गया जिसमें पैसे भी थे? नो, लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड, सो ही वाज नॉट सरप्राइज टू गेट द मनी। उसका ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास था, इसलिए उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इंस्टीड ऑफ ही वॉज वेंगरी एंग्री वैन ही गॉट 70 पिसोस, बल्कि वह बहुत गुस्सा हुआ जब उसे केवल 70 पिसोस मिले। ही कॉल्ड पोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने कहा ये सब के सब कौन है, ठग हैं, इन्होंने 30 पिसोस रख लिए। व्हाट मेड हिम एंग्री? लेंचो वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस देन वाट ही हैड आस्क्ड फॉर। उसे बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा जो पैसा उसने मांगा था उससे कम पैसा मिला है। ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने गुस्से में उन्हें क्या कहा, ठगों या लुटेरों का पूरा समूह है जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं। डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन विस सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो का भगवान में बहुत फेथ था, विश्वास था। कौन सा सेंटेंस है स्टोरी में जो आपको ये बताता है? लेंचो हैड इमेंस फेथ इन द गॉड, दीज लाइन्स आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। ये जो लाइन है ये प्रमाणित करती है, एविडेंस है, प्रमाण है कि उसका ईश्वर में विश्वास था। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसका विश्वास इतना था कि पैसे मिलने पे उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसा गिना वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे कि जो उसने रिक्वेस्ट की थी। व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने उसे पैसा क्यों भेजा और जो साइन थे उसमें गॉड क्यों लिखा? द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू से हिज
शेक द राइटर्स फेथ इन द एलमाइटी एंड दस आउट ऑफ विचस इंटेंशन डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने क्या सोचा, वो उसका भगवान में विश्वास नहीं हिलाना चाहता था। उसने कहा ये एक्ट ऑफ चैरिटी है, एक तरह का दान है, इसलिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। ही आल्सो साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी एज वांटेड लॉन्चर टू थिंक इट वॉज एक्चुअली ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड। और उसने गॉड का जो साइन था इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि वास्तव में लेंचो को लगे कि ये पैसा उन्हें भगवान ने ही भेजा है और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते थे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की उसे पैसा किसने भेजा, क्यों की और क्यों नहीं की? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेंडर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक about the existence of Almighty and that his letter is actually received and replied to by God. उसे भगवान में इतना विश्वास था, उसे पता था कि लेटर भगवान ने ही भेजा है। It was his unshakable faith that made him not question the identity of sender. उसका इतना भरोसा था भगवान में कि उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि इसे किसने भेजा है, उसे पता था भगवान ने ही भेजा है। Who does Lancho think had taken the rest of the money? What is the irony in the situation? बच्चे इसमें हास्यपद बात क्या है और कौन था लेंचो ने क्या सोचा जो रेस्ट ऑफ मनी था, जो बाकी पैसा था, जो 30 सोचते हो किसने रख लिए? The irony here is that it was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lancho's fact intact, but are one who ended up getting blamed or stealing the missing amount. उसे पूरा भरोसा था ये पोस्टमास्टर या पोस्ट ऑफिस के जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, इन्होंने ही जो पैसा नहीं मिला था वो उन्होंने रख लिया। करेक्टर स्केच लेंचो, अब हम लेंचो करेक्टर स्केच पढ़ेंगे। लेंचो इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेटर टू गॉड। ही इज ए पुअर फार्मर, ही हैड फेथ इन गॉड। लेंचो lived in a small house which was situated on the crest of a low hill in the valley. Throughout the morning, Lancho sat in the house and waited for the rain to come, but suddenly raindrops changed into hailstones, all his crops destroyed. बच्चों, जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र कौन है, लेंचो है। वह एक गरीब किसान है, उसका भगवान में बहुत विश्वास है। उसका जो घर है पूरी वैली में अकेला ही घर है, वहाँ और कोई घर नहीं है। सुबह से ही वो बारिश की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब बारिश हुई तो उसके साथ ओले गिरने लगे जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। लेंचो रोट द लेटर टू गॉड एज ही थॉट दैट ही वुड बी द ओनली वन टू हेल्प हिम इन हिज बैड टाइम्स। उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान ही इकलौते हैं जो उसकी इस बुरे समय में मदद कर सकते हैं। ही रोट ए लेटर एड्रेसिंग टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos सो दैट ही एंड हिज फैमिली कैन सर्वाइव इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन। उसने ईश्वर से कहा, क्योंकि वहाँ कोई और घर नहीं था, कि आप मुझे 100 pesos भेज दो ताकि मैं और मेरी फैमिली जीवित रह सकें। द पोस्टमैन इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड वाज ऑफ ए वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर। और इसमें जो पोस्टमैन है वो बहुत ही दयालु दिखाए गए हैं। ही डिसाइडेड टू नॉट लेट लेंचोज इमोशन डाउन एंड हेल्प हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी, बट आफ्टर सीइंग ओनली 70 pesos लेंचो फेल्ट वेरी एंग्री। वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का भगवान में विश्वास रखते, इसलिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन लेंचो ने जैसे ही 70 pesos देखे वह गुस्सा हो गया। इन द सेकेंड लेटर ही रोट टू गॉड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज दे गेव हिम ओनली 70 pesos। दिस शोज द इनोसेंस ऑफ ए पुअर फार्मर। लेकिन जब उसने सेकेंड लेटर लिखा उसमें क्या लिखा, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इन्होंने केवल मुझे 70 pesos भेजे। इससे पता लगता है वह कितना इनोसेंट है और कितना इनोसेंट और गरीब किसान है, जिसने ये सोचने की भी जरूरत नहीं समझी कि लेटर वास्तव में उसको भगवान ने लिखा है या पोस्ट ऑफिस वाले लिखा या किसी और ने लिखा, ऐसा उसका विश्वास था। बच्चों, अक्सर ये वाला जो है करेक्टर स्केच पेपर में आता है, स्पेशली उत्तराखंड बोर्ड में तो आता ही है। करेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड वॉज ऑफ ए वेरी हम्बल एंड काइंड इन द नेचर। वो बहुत ही दयालु दिखाया गया। ही वॉज ए फैट एमिएबल फेलो, बहुत ही मोटा और खुश मिजाज इंसान है। वेन ही सॉ दैट ए पर्सन हैड रिटन ए लेटर एड्रेसिंग टू द गॉड
ही रीड द लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन। जब उसने देखा कि कोई इतना इनोसेंट आदमी है, जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं वैसा कोई है जिसने भगवान को लेटर लिखा है, तो उसने उसकी मदद करने का सोचा। ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड टू विच ही विल डिलीवर लेंचो लेटर। वो जानते थे ऐसा कोई एड्रेस नहीं है जहाँ पे वो लेंचो का लेटर डिलीवर कर सके। हैंस ही डिसाइडेड टू नॉट लेट लेंचो इमोशन डाउन एंड हेल्प हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी। इसलिए उन्होंने पैसा इकट्ठा करने की सोची, कंट्रीब्यूशन करने की सोची। बट आफ्टर सीइंग लेंचो सेकेंड लेटर एवरीवन इंक्लूडिंग द पोस्टमैन फेल्ट वेरी सैड एज ही हैड कंप्लेंट टू गॉड अबाउट द पीपल वर्किंग द पोस्ट ऑफिस। लेकिन जैसे उन्हें सेकेंड लेटर मिला, पोस्ट मास्टर और जो दूसरे लोग थे सब उदास हो गए, क्योंकि जो लेंचो था उसने भगवान से उन्हीं लोगों की शिकायत कर दी थी कि इन्होंने मुझे 70 पीसोस भेजे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड के ही समरी और क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट पैसेजेज आते हैं ना, वो करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए।